एक्सरसाइज है 9.2, क्वेश्चन नंबर है 8 इस एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। गिवन है कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5/2, और साथ ही उन्होंने बता दिया है कि ये टर्मिनल आर्म जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, इसका मतलब सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। फाइंड हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, इसको हम फाइंड करते हैं। अब कोटेंजेंट से हम कैसे ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, कोटेंजेंट को हम सिकेंड के अंदर कोसिकेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोसिकेंट को फिर हम साइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो 1 प्लस 5/2 इसका हो गया स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 25/4 एलसीएम ले लिया, 4 4 प्लस 25, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास निकल आता है 29/4। हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेते हैं। तो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, और क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 29/4 अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट गया, 29 किसका स्क्वायर बन स्क्वायर रूट बनेगा, ये हम देख लेते हैं। 29 बन जाएगा किसी का भी नहीं, ठीक हो गया। अब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकली है अंडर रूट 29/2, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 हो जाता है। ठीक है, अब कोसिकेंट से हम क्या निकालेंगे, साइन, साइन इसका इन्वर्स होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आवर कोसिकेंट थीटा, एक और फार्मूला। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√29, ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। अब हमने क्या करना है कि कोटेंजेंट और साइन को मिला के हमने कॉस फाइंड करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। साइन थीटा को हम कोटेंजेंट की तरफ ले जाते हैं, तो कोटेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। वैल्यूज पुट करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैं वैल्यूज दूसरी तरफ पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको सीधा करके लिख रहा हूँ थोड़ा सा। और क्या होगा कि कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 5/2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, हमने फाइंड किया है 2/√29, तो 2 और 2 आपस में कट गया, कॉस थीटा हमारे पास आ गया 5/√29, ठीक है, 5/√29। अब हम इसको वैल्यूज़ में पुट करते हैं, जो हमें क्वेश्चन गिवन था, ठीक है, और वो क्या था कि 4 क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, सॉरी मैं भूल गया, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करें, sin थीटा की हमने वैल्यू निकाली है 2/√29, तो 3 अपनी जगह, 2/√29 प्लस 4 अपनी जगह, cos थीटा की वैल्यू निकाली है cos थीटा 5/√29, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 5/√29 माइनस 2/√29, ठीक है, ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6/√29 प्लस 20/√29, नीचे का हम 5 माइनस 2/√29, नीचे वाले को मैंने पहले सॉल्व कर लिया, तो ऊपर भी इजीली सॉल्व हो जाता है, 6 प्लस
20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इसको थोड़ा सा सामने हम लिख लेते हैं 29। अच्छा तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6 प्लस 20 ओवर अंडर रूट 29 होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3 ओवर अंडर रूट 29। इसको हम ऊपर ले जाते हैं 26 ओवर 29 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय, ये इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा इस तरह, अंडर रूट 29 अंडर रूट 29 आपस में कट गया और 27 आता, 3 टेबल में 26 नहीं आता, ठीक है। तो ये 26 बाय 3 ही रहेगा उसका आंसर। ये हमारी यहाँ पे एंड ऑफ 9.2।